subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, यू नो एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स. चैप्टर नेम है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है मैं वो ऑलरेडी बना करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. अगर आप अब तक वॉच नहीं किए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाएं, ठीक है. क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जा करके उस इंट्रोडक्शन वीडियो को वॉच करें, देन उसके बाद आप यहाँ पे मूव करें. इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. तो जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, यू नो क्या कह रहा है, गिवन है सम फिगर्स. ओके, फिगर दे रखा है, फिगर भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. अब नीचे देखना है क्या कह रहा है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. क्या करना है, क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई किसके बेस पे करना है, फर्स्ट है आपका सिंपल कर्व. हमने कर्व के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर कह रहा हूं, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो में जाएं. मैं यहां पे ज्यादा फिर डिस्कस नहीं करूंगा, डिस्कस करूंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे और वीडियो को यहीं पे छोड़ करके आप निकल लोगे, राइट. सो मैं ऐसा करने दूंगा नहीं आपको, तो इसलिए आप प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाएं. तो सिंपल कर्व की बात करी जा रही है, तो यहां मेरे पास 8 फिगर्स हैं. जो जो सिंपल कर्व है उसे आपको क्लासिफाई करना है, यू नो सिंपल कर्व के बेस पे. तो आई थिंक मुझे जहां तक दिख रहा है, नंबर 1 आपका सिंपल कर्व है, सेकेंड भी सिंपल कर्व है, थर्ड आई थिंक नहीं है क्योंकि सर्कल पे सर्कल बनाए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फोर्थ भी थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है, स्टार पे स्टार बना, आई मीन ट्रायंगल पे ट्रायंगल बना रखा है. आई थिंक ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, ये कुछ पॉलीगोन तो है ही एग्जैक्टली, तो कुछ कॉम्प्लिकेट हल्का सा दिख रहा है. बट 5 आपका एग्जैक्टली सिंपल लग रहा है, 6 भी आपका सिंपल लग रहा है, 7 भी आपका सिंपल लग रहा है. सो सिंपल कर्व में जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, नंबर 1 में सिंपल कर्व में आपका नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 5 हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा एंड ऑल्सो नंबर 7 हो जाएगा. ये सिंपल कर्व में आ जाएगा. नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है नंबर बी में सिंपल क्लोज्ड कर्व. आई थिंक क्लोज तो सबके सब दिख रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है. तो आई थिंक बी में सेम आपका नंबर 1 सिंपल क्लोज दिख रहा है, नंबर 2 सिंपल क्लोज दिख रहा है, 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, नंबर 5 आपका सिंपल क्लोज दिख रहा है और नंबर 6 भी आपका सिंपल क्लोज दिख रहा है, नंबर 7 भी आपका सिंपल क्लोज दिख रहा है. सो यू हैव टू राइट हियर नंबर 1 2 5 6 7, दोनों आपका सिमिलर ही रहेगा. अब नंबर सी में जरा फोकस करें, क्या कह रहा है, पॉलीगोन की बात करी जा रही है कि इसमें पॉलीगोन कौन कौन सा है. तो मैंने ऑलरेडी बता रखा हूं कि पॉलीगोन किसको बोलते हैं, एक ऐसा फिगर होनी चाहिए जो आपका कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से बना हो, ऐसे फिगर को आप क्या बोलते हैं, पॉलीगोन बोलते हैं. तो नंबर 1 दिख रहा है मुझे सबके सब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, यानी ये होल फिगर आपका लाइन सेगमेंट से बना है. तो इन शॉर्ट आप इसे क्या कह सकते हैं, पॉलीगोन कह सकते हैं. तो नंबर 1 तो इजिली हो जाएगा, नंबर 2 भी आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, जरा देख सकते हैं आप, तो ये भी आपका पॉलीगोन हो जाएगा. नंबर 3 नहीं हो सकता, नंबर 4 आपका जो ये स्टार टाइप से दिख रहा है ये भी आपका कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी आपका आई थिंक क्या पॉलीगोन हो जाएगा नंबर 4, ठीक है. नंबर 5 नहीं हो सकता, नंबर 6 भी नहीं हो सकता, नंबर 7 भी नहीं होगा, नंबर 8 भी नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है. अब डी में मूव करेंगे, तो डी आपसे कह रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगोन. मैंने टाइप्स ऑफ पॉलीगोन बताया था कि कितने, आई मीन उसको कितने टाइप्स में कह सकते हैं, रेगुलर पर आता, इरेगुलर पर आता, कॉन्वेक्स पर आता, कॉन्केव पर आता, बट यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करी जा रही है. तो एक साइंटिफिक टर्म भी आप लोगों को पता होगा, कॉन्वेक्स एक ऐसे फिगर को बोलेंगे जो आपका उभड़ा हुआ होता है. आई थिंक इस सारे फिगर्स में देखो पॉलीगोन की बात करी जा रही है, तो लाइन सेगमेंट वाले को ही फोकस करेंगे. तो देखेंगे नंबर 1 तो हो नहीं सकता, नंबर 2 देखो जरा यहाँ पे ये जो लाइन है ना ये उभड़ा हुआ है, राइट. ये उभड़ा हुआ होने की वजह से आप इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगोन कह सकते हैं. तो डी में आई थिंक नंबर 1 ही होगा सिर्फ जो आपका उभड़ा हुआ है और वो एक पॉलीगोन है, जिस वजह से आप इसे कॉन्वेक्स पॉलीगोन कह सकते हैं. अब अगर ई की बात करेंगे तो जरा ई में देखो क्या कह रहा है, कॉनकेव पॉलीगोन, यू नो कॉनकेव, यू नो कॉन्वेक्स का जस्ट उल्टा. तो आई थिंक पॉलीगोन है तो लाइन सेगमेंट वाले फिगर को ही फोकस करना है. तो नंबर 1 को जरा देखो ये अंदर घुसा हुआ है, आई थिंक ये वाला लाइन जो है ना ये अंदर घुसा हुआ है, सो दैट इज वाई आपका नंबर 1 क्या हो जाने है, आपका कॉनकेव पॉलीगोन हो जाने. तो यहाँ पे नंबर, ओ जस्ट अ मिस्टेक, यहाँ पे नंबर 2 होगा, डी में नंबर 2 होगा, ई में नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है. तो ई में नंबर 1 आपका क्या हो जाने हैं, कॉनकेव पॉलीगोन हो जाएगा, राइट. सो आई थिंक यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा है और क्वेश्चन हमसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है, तो यहीं पे एंड करेंगे, नंबर क्वेश्चन 2 में मूव करेंगे. सो क्वेश्चन 2 दर देखो इधर, हाउ मेनी डायगोनल्स, यू नो डायगोनल के बारे में बात करी जा रही है. तो डायगोनल मैंने बताया था नॉन कॉन्सिक्यूटिव
कॉर्नर्स जो होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, उसको जो हम लाइन मैच कराते हैं, लाइन फिक्स कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं. नहीं देखियो फिर इंट्रोडक्शन पे चले जाओ प्लीज. सो हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? यू नो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को कितने यू नो क्या हो जाएंगे आपके डायगोनल्स हो जाएंगे. उसी तरह से रेगुलर हेक्सागन को कितने डायगोनल आ जाएंगे, उसी तरह ट्रायंगल को कितने डायगोनल आ जाएंगे. तो प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं. तो फर्स्ट आपने यहाँ पे लिख देना है क्या, नंबर ए लिख दो आप. कॉनकेव यू नो सॉरी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करी जा रही है. तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. ये आपका क्वाड्रिलेटरल में फोर लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक है. तो चलो मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स में डाल दिया. अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, उभरा हुआ तो दिख ही रहा है. अब देखो इसमें नॉन कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, तो एक लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, दूसरा लाइन आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा. सो इसमें कितने हो जाएंगे, दो आपके डायगोनल्स हो जाएंगे. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज टू डायगोनल्स, दैट इज ऑल, ठीक है. अब उसी तरह से नंबर बी में रेगुलर हेक्सागोन की बात करी जा रही है. तो हेक्सागोन एक पॉलीगोन है जिसमें कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, सिक्स लाइन सेगमेंट होते हैं. तो सिक्स लाइन सेगमेंट वाला एक फिगर यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं. दो इधर दे दिया, फिगर ढंग का नहीं बन रहा है, सो जस्ट मैनेज करना है, ठीक है. तो कितने लाइन सेगमेंट हो गए इसमें, सिक्स लाइन सेगमेंट होगा. अब इसे अगर मैच करेंगे तो आई थिंक एक यहाँ पे मैच होगा, दूसरा यहाँ पे मैच होगा, ठीक है, तीसरा आपने यहाँ पे मैच होगा, ठीक है. फिर इस लाइन से अगर मैच करेंगे तो एक यहाँ पे मैच हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे मैच हो जाएगा, यार हो जाओ, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा. अगर यहाँ से मैच करोगे तो एक यहाँ पे मैच हो जाएगा, अगर यहाँ से मैच करोगे तो एक आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है. एक यहाँ से अगर मैच करना चाहो आप तो आई थिंक एक यहाँ पे मैच हो जाएगा. तो कितने हो गए पता ही नहीं चला. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो हो गया ना, एक यहाँ पे 9. सो कितने हो जाएंगे, 9 लाइन सेगमेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हो अ हेक्सागोन हैज 9 डायगोनल्स, दैट इज ऑल, ठीक है. अब सी की फोकस करेंगे तो ट्रायंगल एक यहाँ पे आप फॉर्मेशन कर दो. अब देखो ट्रायंगल में आप कहाँ से खींचोगे, ट्रायंगल में डायगोनल का कोई बात ही नहीं चल रही है. तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए ना, कंटिन्यूअसली नहीं होना चाहिए. तो इसमें आपका कोई भी डायगोनल नहीं होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हो अ ट्रायंगल हैज नो डायगोनल्स, सो दैट इज ऑल, आपको इतना ही करना है, ठीक है. अब मूव करेंगे क्वेश्चन थर्ड में. अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. यू नो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की सम की बात करी जा रही है. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है वो कितना डिग्री होता है वो बताना है. फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स. क्या जो आप प्रॉपर्टी यहां से निकालोगे यू नो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से, अगर वहीं पर आपका फिगर कॉन्वेक्स ना होकर के नॉन कॉन्वेक्स यानी कॉन्केव हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा या नहीं. सो आपने यहाँ फिर एक चीज और कहा ब्रैकेट में, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई. फिर आपको नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है, देन आपको ट्राई करके देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो चलो करके देखते हैं. आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, एक छोटा सा क्या कर दो आप, पहले एक छोटा सा फिगर बनाओ. छोटा सा फिगर किसका बनाना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, राइट. तो आई थिंक एक क्वाड्रिलेटरल कुछ आप इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हो. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो फोर लाइन सेगमेंट है और उभड़ा हुआ है तो कॉन्वेक्स तो हो ही गया. अब इसके यहाँ पे एक नेम डाल दो, ए बी सी डी, राइट. अब इसको स्प्लिट कर दो यहाँ पे एक लाइन डाल करके, ठीक है, ए सी एक लाइन डाल दिया. अब अंदर में भी इसका नेम डाल दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, राइट. अब यहाँ पे दे सकते हो लेट ए बी सी डी is a quadrilateral and AC is a diagonal, right? अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आप यहां पे लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल
डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। आप लिख सकते हो इसको एग्जैक्टली, कुछ नहीं, मैंने नेम को ही एग्जैक्ट इक्वल करा। तो देन आगे आप क्या करो कि ये 1, 2, 3 को जो है ना इसे स्प्लिट कर दो दो बराबर पार्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर प्लस करके एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का लिख दो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। आप जानते हो अच्छी तरह से कि जो भी ट्रायंगल होता है उसके जो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी इनर एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ तो प्रूव हो चुकी है कि क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स में होगा तो उसका जो एंगल सम होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर सपोज करते हैं क्या यही प्रॉपर्टी वही क्वाड्रिलेटरल तो होगा बट कॉन्वेक्स ना होकर के कॉन्केव अगर हो जाए, कॉन्केव या फिर नॉट कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स ना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो पाएगी या नहीं, तो उसको भी प्रूफ करने। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करता हूं, राइट। अब क्या करेंगे, एक यहां पे हमने फिगर बनाना है, मैं इसे होल इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे इरेज हो चुकी है बात। अब यहां पे देखो मैं एक क्या फिगर बनाता हूं आपका, जो आपका कॉन्वेक्स ना हो। आई थिंक यहां पे हम बना सकते हैं उसी फिगर को, ले लेते हैं यहां पर कुछ इस तरह से ले लेते हैं और इसको अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे हो, अब इसका भी नेम देते हैं ए बी सी डी डाल दिया और इसको भी स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डायगोनल नहीं होगा यहाँ पर, मैंने स्प्लिट कर दिया, कह सकते हो डायगोनल भी, कोई दिक्कत नहीं। बी डी मैंने इसको डाल करके स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 अब इसको क्या करेंगे, आप यहां पे लिख सकते हो लेट ए बी सी डी इज अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ज्वाइन DB। मैंने DB को क्या कर दिया यहां पर, ज्वाइन कर दिया, राइट। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप यहां पे लिख सकते हो इन ट्रायंगल ADB, यू नो ADB में क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1 ले लो, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया। फिर उसी तरह से इन ट्रायंगल DBC, यू नो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, इट्स इक्वेशन 2। अब क्या कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट। सो नाउ अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंगल 1 को क्या मान लो आप, एंगल ए कर दो, एंगल 2 प्लस 3 यू नो, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस लाइन को मैं मिटाता हूँ, एक स्टेटमेंट हमने आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 3 को एक साथ ले लेते हैं, एंगल 4 को रहने देते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 को एक साथ ले लेते हैं, देन 360 यहाँ पे कर लेते हैं। सो आगे का जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरह से, एंगल 1 को आप ए ले सकते हो, राइट। उसके 2 और 3 दोनों को आप बी लिख सकते हो, उसके बाद 4 को आप सी लिख सकते हो और डी को 5 प्लस सी को आप एंगल डी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब यहाँ पे देख रहे हो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सम क्या होता है आपका, 360 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड,
बस इतना ही, यानी वो आपका नॉन कॉन्वेक्स भी रहेगा तो उसका भी एंगल सम प्रॉपर्टी कितना बन जाएगा आपका, 360 डिग्री होगा। बस आपसे इतना ही कहा जा रहा था। ओके, मूव करते हैं नंबर फोर में। अब फोर देखो, ये थोड़ा सा यू नो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड, बट आई मीन जब सॉल्यूशन निकालोगे काफ़ी इजी हो जाएगा। अब नंबर फोर क्या कह रहा है, एग्जामाइन द टेबल। इस टेबल को फोकस करना बहुत जरूरी है, जरा देखना यहाँ पर। फिर कह रहा है कि ईच फिगर इज डिवाइडेड इन टू ट्री एंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, यू नो। अब देखना है कि हर एक फिगर को यू नो डिवाइड करी गई है आपके ट्री एंगल्स में, राइट। देन आपने या फिर क्या करना है, इसको फॉलो करते हुए फिर नीचे आपसे कह रहा है कि वट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ सॉरी विद नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ जो नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है, नंबर ए में 7 है, 8 है, 10 है एंड n दिया गया है। मतलब आपका जितना नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओगे तो उसकी जो एंगल सम वैल्यू होगा वो आपका किस तरह से इंक्रीज करेगा, उसे फोकस करना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे आप इस टेबल को फोकस करो, क्या कह रहा है इस टेबल में आपका टेबल देखो जरा। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में एक ट्रायंगल है, देन आपका क्वाड्रिलेटरल, यू नो फोर लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाने हैं, क्वाड्रिलेटरल के बाद 5 को क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं, आपका हेप्टागन हो जाने यहाँ पर, ठीक है। सॉरी हेप्टागन बोलते हैं क्या, पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट है तो इसे आप हेक्सागन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेक्सागन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के फिगर्स आई मीन दे रखे हैं लाइन सेगमेंट्स के साथ, आप इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये सब पॉलीगोन है। अब नीचे 7 लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं उसे, सेप्टागन या हेप्टागन दोनों बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टेगन बोलते हैं 8 लाइन सेगमेंट को, 10 को बोलते हैं डेकागन, राइट। और एन का तो कुछ नहीं, अब जो डाल दो लाइन सेगमेंट वो मूव करेगा। सो क्वेश्चन हमें वो नहीं कह रहा, क्वेश्चन अब जो कह रहा है वो चीज़ देखो। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है 180 डिग्री हमें अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से हमें पता है कि ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है ये भी पता है, बट कैसे। यहाँ पे एक टेबल यू नो यूज करी गई है, कितने लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, 4 है ना, 4 में 2 माइनस कर दिया गया, कितने माइनस कर दिया गया, 2 माइनस कर दिया गया और उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर जो 5 लाइन सेगमेंट है उसे 5 से 2 माइनस कर दिया गया, यहाँ पे 4 से 2 माइनस कर रहा था, यहाँ पे 5 से 2 माइनस कर दिया गया, फिर 180 से मल्टीप्लाई। अगला टेबल में 6 लाइन सेगमेंट है उसमें से 2 माइनस कर दिया, फिर 180 कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट इससे एक हमको फॉर्मूला पता चल रहा है कि अगर हम सारे लाइन सेगमेंट को एन एज्यूम कर लें, मान लेते हैं n, और उसमें 2 माइनस कर देंगे, तो हर एक केस में देख पा रहे हो 2 माइनस हुआ है, और जैसे ही 2 माइनस कर देते हैं उसे फिर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक हमें एक फॉर्मूला टाइप से ये हमें समझ में आया। अब 7 के लिए हम एज्यूम करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे a लिख दो, ठीक है। a में नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितने हैं, 7 है, सो यू कैन राइट हियर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है a के लिए। तो लाइन सेगमेंट 7 है तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, सो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 2 तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 180 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 900 डिग्री। तो अब ये समझ में हुआ कि 7 लाइन सेगमेंट का जो फिगर होगा उसका जो एंगल सम होगा वो 900 डिग्री का होगा, क्लियर है। अब उसी तरह से अगर बी की बात कर लें तो बी में हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। सो एन की वैल्यू हम यहां पे 8 बैठा देते हैं, सो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, आई मीन यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री। सो फाइनली 18 सिक्स कितना हो जाता है, 8 सिक्स 48 एंड 4, सॉरी 8 सिक्स 48 ना एंड 4, 6 प्लस 4 10, 18 सिक्स 108, आर श्योर, यस एग्जैक्टली। सो 10 यहाँ पे बैठा दो, यानी 1080 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, एंगल सम हो जाएगा आपके कितने का, 8 लाइन सेगमेंट वाली जो फिगर बनेगा यानी ऑक्टेगन जो होगा उसका जो एंगल सम वैल्यू होगा वो 1080 डिग्री होगा। अब आगे सी में मूव करते हैं, उससे पहले हम इस फिगर को थोड़ा इरेज कर देते हैं। जैसे इरेज हुआ तो हमने यहां पे क्या यूज करेंगे, सी में कितने लाइन सेगमेंट है, 10 है, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब मैं बार बार बता रहा हूं एन का हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां से एक फॉर्मूला हमने एज्यूम करा है इस टेबल को देखते हुए, क्योंकि इस टेबल को ही एग्जामाइन करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो इस टेबल को एग्जामाइन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट तो 4 माइनस 2, यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट है तो 5 माइनस 2, यानी यहाँ 6 लाइन सेगमेंट है तो 6 माइनस 2, अब 7 होगा तो 7 माइनस 2, 8 होगा तो 8 माइनस 2, 10 होगा तो 10 माइनस 2, n होगा तो n माइनस 2, यानी n में जितने भी नंबर, अब 1000 नंबर लाइन आई मीन
लाइन सेगमेंट डाल दो, 1000-2 कर दोगे, उसके साथ 180 हर एक के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं n-2 लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला एज अ मतलब मैंने यूज करा यहाँ पे कि एक समझ में आ रही है कि n कोई नंबर लाइन है यानी लाइन सेगमेंट है, तो n-2 कर दिया, जो भी आएगा उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए यहाँ पे n-2 लिख रहा हूँ मैं। सो n जो है इस कंडीशन में 10 है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 10-2 × 180, यानी 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 × 180 डिग्री। अब 18 8 कितना हो जाए, 8 8 64 6 8 6 44 14 1 8 4 4 एक जीरो बैठ जाएगा, यानी 10 लाइन सेगमेंट जब रहेगा कोई भी, यानी डेकागन जो होगा आपका, डेकागन जो होता है ठीक है, उसकी जो एंगल सम होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 1440 डिग्री का हो जाएगा ठीक है। अब डी में होगा तो डी तो कोई नंबर नहीं दे रखा है, इसके लिए डायरेक्ट लिख दो n-2 × 180 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि n में जो नंबर लाइन, जितने नंबर लाइन सेगमेंट आप यहां पे बैठा होगा लाइन सेगमेंट ठीक है, उतना से माइनस टू कर दो, फिर उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही। तो इसे कॉपी नहीं करना है, कॉपी तो सिर्फ इसी को करना है, बस ये कह रहा है नंबर 4 में। अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन 5 आ गया, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। सबसे पहली बात कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो बहुत आसानी के साथ इसका डेफिनेशन आप मुझे बता सकते हैं ठीक है, या अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो शायद इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो में जाए, अभी भी कह रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि रेगुलर पॉलीगॉन को आपको यहां पे डिफाइन करना है, देन स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड्स, यू नो एक ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसके थ्री साइड्स होंगे उस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा, जिसके फोर साइड्स होगा उसके नाम क्या होना है, सिक्स साइड्स होगा उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहां पे सॉल्यूशन लिखो, देन आपने यहां पे डिफाइन में लिखना रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो यहां पे लिख सकते हो a regular polygon has equal length and equal angle, बस। यानी एक रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसे पॉलीगॉन को बोलेंगे जिसका जो लेंथ होता है वो कंप्लीटली हर तरफ से इक्वल होगा और उसकी जो एंगल की वैल्यू होगी वो भी चारों तरफ से इक्वल होगा, तो ऐसे पॉलीगॉन को आप क्या कहोगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहोगे राइट। अब मूव करेंगे नंबर 1 में, अब नंबर 1 आपसे क्या कहा जा रहा है कि थ्री साइड्स, एक ऐसा यू नो पॉलीगॉन होगा जिसका थ्री साइड होगा, ऐसे पॉलीगॉन को आप क्या बोलोगे, तो यहां पर लिख सकते हो अ पॉलीगॉन विच हैव थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रीएंगल, क्या बोलेंगे उसको, ट्रीएंगल बोलेंगे उसको, यानी आपको जिस तरह से होगा ठीक है, थ्री लाइन सेगमेंट है तो इसे आप क्या बोलोगे, ट्रीएंगल। उसी तरह से नंबर 2 में अ पॉलीगॉन विच हैज फोर साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, जैसे देखो ये है, इसे आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपका जरूर से आपका स्क्वायर आ जाएगा ठीक है, उसी तरह से आपने रेक्टेंगल आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, काइट आ जाएगा ठीक है, पैरेललोग्राम आ जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट उस सारे के सारे फिगर्स को आप क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक ऐसा फिगर होना चाहिए, ऐसा पॉलीगॉन होना चाहिए जिसकी कितने लाइन सेगमेंट हो, 4 हो, ऐसे फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नंबर 3 में 6 साइड्स होना चाहिए, तो अब यहां पे लिख सकते हैं अ पॉलीगॉन विच हैज 6 साइड्स इज नोन एज हेक्सागोन। मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में राइट, कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 6 साइड्स होंगे उसे आप क्या बोलोगे, हेक्सागोन बोलोगे, क्या बोलोगे, हेक्सागोन। आप उसका फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दो ऊपर डाल, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर से एक इधर से राइट, एक यहां से मिला दो, एक यहां से मिला दो, ये आपका हेक्सागोन हो जाएगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोगों को ठीक है। ये हो गया नंबर 5, सॉरी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा कुर्ता जो है ना वो चिपक रहा है। एनीवे आगे मूव करते हैं नंबर 6, यू नो ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालने में। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, यू नो इसमें हर एक फिगर में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं आपको राइट। सो यहां पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर ए लिखूंगा। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, और क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो सिंपल आप यहां पर क्या करो, लिखो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री
प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं कि अंदर के चारों को ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू 360 बनता है। तो तीन का वैल्यू दिया हुआ, एक का निकालना है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। 130 प्लस 120 इज इक्वल टू आई थिंक 250, राइट? 250 प्लस 50 यानी 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स तो यहीं पर रहेगा, 360 यहीं पर रहेगा, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। 300 जब साइड चेंज होगा तो माइनस में आ जाएगा इधर डिग्री। सो therefore x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे x की वैल्यू आपका 60 डिग्री होगा। यहाँ आप आंसर पुट कर दो और यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन को खूबसूरत बनाने के लिए एरो पुट कर दो। सो ये नंबर वन हुआ, आई मीन नंबर ए। अब बी में जरा देखो इधर को, यहाँ पे x दे रखा है, 70 दे रखा है, 60, लेकिन ये 90 का सिंबल है, लेकिन 90 बाहर में, अंदर में नहीं है। तो एक बात याद रखना, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, और एक बात पता है आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 180 डिग्री का। अगर उसके ऊपर एक लाइन डाल देंगे तो दो एंगल बन जाएगा, ठीक है? तो यानी ये दोनों मिलकर के कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री का। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ये आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है? तो यानी यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो देखो भाई, एक तरफ जब 90 है तो दूसरे तरफ क्या होगा? ऑब्वियसली 90 होगा, बिकॉज 90 प्लस 90 मिलकर 180 बनाता है लीनियर पेयर। तो यहां की वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। इन शॉर्ट आप यहां पर डायरेक्ट लिख दो एंगल 70, सॉरी यहां पे एंगल को हटा दो, आप यहां पे एंगल नहीं लिखना है, ठीक है? आपने यहां पे क्या लिखोगे, स्टार्टिंग करो यहां से कि 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। आप समझ में आ गया होगा कि यहां पे 90 कैसे आया, ठीक है? सो 90 डिग्री डायरेक्ट कर दो प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब यहां पे ऐड करेंगे, 70 प्लस 60 कितने हो जाएंगे? 130 प्लस 90 इज इक्वल टू आई थिंक 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे x रहने दो, 360 डिग्री में 220 डिग्री माइनस कर दो। सो therefore अब यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे तो 041, यानी x की वैल्यू 140 डिग्री बन जाएगा। ये दूसरा आंसर बन गया, राइट? अब उसी तरह से मूव करेंगे हम लोग थर्ड में, you know, तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे इरेज करा, कुछ इस तरह का सिंबल बना। अब देखते हैं सी में, सी में आपसे क्या कही जा रही है। अब देखो अंदर में तो 30 डिग्री है, ये दो एक्स एक्स डाल दिया, यानी यहाँ की जो वैल्यू, यहाँ की भी वही वैल्यू, लेकिन ये दो एंगल बेटा खाली है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं 70 और यहाँ की एंगल मिला करके कितना हो जाएगा? 180 होता है, राइट? यानी 180 से अगर 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ का वैल्यू बन जाएगा 110। 110 और 70 मिलकर के 180 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लिखने को बोलता भी नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं भी, अगर आप लोगों को पता है तो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का फॉर्म करती है? 180 डिग्री का। तो अब यहाँ पे देखो स्प्लिट हो चुका है, दो एंगल्स में टूट चुका है, तो एक अगर 70 बन रहा है तो दूसरा कितना बनेगा? ऑब्वियसली 110 बनेगा। अब ये अगर अकेले 60 बन रहा है तो यहाँ कितना बनना चाहिए? 120 बनना चाहिए। तो एक 110 है, एक 120 है, तीसरा 30 डिग्री है, और दो यहाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे कितने एंगल बन जाते हैं? 1 2 3 4 5। पहले एक बात बताना, ऊपर दो तो क्वाड्रिलेटरल है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है नहीं, ये तो आपका पेंटागन हो जाएगा, और पेंटागन का जो एंगल सम वैल्यू होता है वो कितना डिग्री का होता है, ये पहले पता कर लेते हैं। पेंटागन का जो होता है n माइनस 2 कर देंगे इंटू 180 कर देंगे, यानी n में कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट? इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री, मतलब 18 3 54। यानी पेंटागन की जो वैल्यू होती है ना एंगल सम, वो 540 डिग्री का होता है। इतना तो पता चल गया, ठीक है? अब आगे यहाँ पे आपने लिखना है 30 डिग्री प्लस यहाँ का 120 डिग्री, अंदर वाला लेना है 120 डिग्री प्लस यहाँ का 110 डिग्री, अंदर वाला 110 डिग्री प्लस दोनों जो ये x x भाई साहब है ना, उसको भी लो, x प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब उधर 360 ले रहे थे क्योंकि 4 एंगल्स था, यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 5, और 5 का 4 5 40 डिग्री होता है। अब देखो इन तीनों को पहले ऐड कर दो, 30 प्लस 120 150 प्लस 110 आई थिंक कितने हो जाएंगे? 260 डिग्री। 260 डिग्री प्लस x प्लस x 2x कर सकते हैं इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब आगे मूव करेंगे, 2x रहने देते हैं, 540 डिग्री में 260 डिग्री माइनस कर देते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 540 में 260 माइनस करेंगे तो 0 14 8 6 14, यहाँ पे 4 से 280 डिग्री, राइट? अब आगे मूव करेंगे, इसको मैं इधर थोड़ा मूव करा रहा हूँ, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, सॉरी
यहाँ पे 2 को हटा देते हैं, x इज इक्वल टू 280 डिग्री बाई यहाँ पे 2 डिवाइड में ले लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर डिवाइड, इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना 140 हो जाएगा। सो दिए फोर एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है, तो यानी इस x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 140 डिग्री बन जाएगा आपका, होप की अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। अब इसे मैं रेज करता हूँ, उसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं डी में। डी में देखो कितने लाइन सेगमेंट है, पहले वो देख लेते, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ही है, ठीक है। तो 5 का हमें पता है अच्छी तरह से कि 540 डिग्री होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही इस फिगर का निकाला, राइट। सो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, x प्लस सब के सब ये रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर में सारे एंगल की वैल्यू सेम बनेगा, यानी x प्लस x प्लस x प्लस x, 5 एंगल हो गया, 1 2 3 4 5, यू नो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस सब का वैल्यू कितना हो जाता है, 540 डिग्री, शॉर्ट में लिख सकते हो 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 540 डिग्री बाई 5, इसे काट दो, अब कितने हो जाएगा, 10 5 50, 8 5 40, सो therefore x इज इक्वल टू 108 डिग्री। सो ये आपका आंसर हो गया, होप की अंडरस्टैंडिंग हुई, काफी इजी है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 यहां पे देख पा रहे हो आप, फाइंड x प्लस y प्लस z, यू नो x प्लस y प्लस z की वैल्यू मांगी जा रही है यहां पर, ठीक है। अब जरा देखो भाई साहब, यहां पे जो z की वैल्यू है वो आपको निकालना है, तो यहां तो 30 है, बाहर कैसे होगा, बस वही वाला फॉलो करना है, यहां पे डायरेक्ट लिख दो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, डायरेक्ट लिख दो। क्यों, क्योंकि आपने पता है यार लीनियर पेयर की जो वैल्यू होती है ना वो यही होती है। लीनियर पेयर में क्या होता है कि ये दोनों को ऐड करके ना 180 डिग्री बनता है, तो z प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाता, 180 होता। तो इन शॉर्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, सो दिए फोर जेड इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 150 डिग्री, एक तो ये हो गया। अब दूसरा इधर को देखो, यहाँ पे x की वैल्यू मांगी जा रही है, बाहर का x वैल्यू मांगा जा रहा है, अंदर में 90, तो सेम यही करेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो लीनियर पेयर, नहीं भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो रहा हो, सो यहां पे आपने क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो z का 150, x का 90। अब यहां पे क्या करना है, y की वैल्यू की डिमांड करी जा रही है, तो y के लिए आपने क्या करोगे, y के लिए आपके पास यहां तो कुछ है नहीं, लेकिन एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि जब एक्सटीरियर एंगल की अगर वैल्यू मांगा जाता है तो अपोजिट के इंटीरियर की जो वैल्यू होती है ना उसके सम के इक्वल में होता है। जब कोई एक्सटीरियर एंगल आपका बाहर में का उसका वैल्यू मांगा जाए तो उसकी वैल्यू उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसकी वैल्यू के बराबर में होता है। सो यू कैन राइट हियर y इज इक्वल टू 90 प्लस 30, यानी यहां पे लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो भाई साहब, आप लोगों को थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहां y जो होता है ना, y का वैल्यू मैंने 90 प्लस 30 लिख दिया, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है भाई, एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि जब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपसे डिमांड करी जाए ना तो उसके जस्ट अपोजिट जो एंगल बनेगा, एक यहां पे 30 एक 90 है इंटीरियर में अंदर में, उसको ऐड कर दोगे ना तो ये एंगल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। बस मैंने उसी प्रॉपर्टी को फॉलो किया, यानी y इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू जो भी होगा, मैं आगे लिखता हूं, उससे बेहतर है ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो therefore y इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। अब मेरा यहां पे z, x और y तीनों की वैल्यू मिल चुका है। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इसको प्लस करना है भाई साहब। So, अब यहां पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x है आपका 90 प्लस, यहां पे शायद मेरा फोटो आ रहा होगा तो नहीं भी दिख रहा होगा, 90 प्लस 120 प्लस, ठीक है, 150 इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर देते कितना हो जाएगा, 150 120 एंड 90 0 9 टू 11 प्लस 5 16 360 डिग्री, यानी x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360
60 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। सो अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन बी आपसे क्या कह रहा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, सबको ऐड करना है। तो जरा देखो सेम वही कह रहा है आपसे। अब यहां पे भाई क्या हो रहा है कि x तो बाहर मांग रहा है 120 इधर को है, तो आप यहां पे लिखो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ये लीनियर पेयर है, मैं ये नहीं लिख रहा, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है, मैं लिख रहा हूं, इसे इक्वेशन वन एज्यूम कर लो। दूसरा आपसे लिख रहा है 80 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी नंबर टू इक्वेशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी कह रही है। तीसरा आपसे कह रहा है 60 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आपसे क्या कह रहा है, नंबर थ्री लिख दो आप, इक्वेशन थ्री, प्रॉपर्टी कह रही है। लेकिन w में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहां भाई साहब कुछ दिया ही नहीं है। तो w के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो पहला ये कि ये अगर एंगल मांगे तो इसके अपोजिट में एक तो ये है, दूसरा ये है, इसको फॉलो कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड करके। या दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो इनर वैल्यू जो होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है, राइट, यानी सबको ऐड कर दो और यहाँ 360 से माइनस कर दो, यहाँ की वैल्यू बन जाएगी। तो कोई एक प्रॉपर्टी तो आपको यहाँ पे फॉलो करके उसकी वैल्यू को लिखना होगा, चाहे आप जो भी लिखे। तो मैं इसे पहले इरेज करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको दोनों प्रॉपर्टी बता देता हूँ जिससे आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर लो। पहला तो आप क्या कर सकते हो, मैं साइड में बता रहा हूँ, क्या कर सकते हो, 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी सॉरी a मान लेते हैं क्योंकि x पहले से दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 260 प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 100 डिग्री, राइट, 100 हुआ ना। सो यहाँ पे आपने क्या लिख सकते हो, 100 डिग्री आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो पा रही है, अच्छा वो ट्रायंगल में होता है, सॉरी, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए क्या करा, 100 डिग्री लिख सकते हो। सो यहाँ पे क्या कर देना है, y सॉरी 100 प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन फोर हो जाएगा, राइट। अब मैं इसे एज्यूम इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत रहा नहीं अब, अब आगे क्या करना है आपको, ये इक्वेशन तो आपने सबसे ले लिया, राइट। अब सारे इक्वेशन को आप ऐड कर दो, आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू थ्री फोर, राइट, सारे इक्वेशंस को ऐड करना है। तो अब एक साइड वाला इक्वेशन एक तरफ रखोगे, 120 प्लस एक्स प्लस 80 प्लस वाई प्लस 60 प्लस जेड प्लस यू नो कितना है इधर 100 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट। सो आगे मूव करेंगे, सबको ऐड कर दो इधर, 180 प्लस 120 प्लस 80 यानी 200 प्लस 60 कितने हो जाएंगे, आई थिंक 260 प्लस 100 360 हो जाएगा, राइट। सो 360 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 720 डिग्री। सो इन शॉर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू 720 डिग्री, ये 360 इधर आएगा तो माइनस 360 डिग्री। सो therefore x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 से 720 से 360 को माइनस कर दो, 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 से 3 जाएगा तो 3 यानी 360 डिग्री। मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू बनेगा कितना डिग्री बनेगा 360 डिग्री, बस इतना ही करना है, ये आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई कम्प्लीटली। और मैंने जो भी बताया यहाँ पर कि ये जो फॉलो हो रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल में होता है, सॉरी जस्ट स्लिप ऑफ टंग, ये ट्रायंगल में फॉलो होता है एक्सटीरियर एंगल, इधर से ऐड कर दोगे तो ये आपका वाई का वैल्यू बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में नहीं। तो आप यहाँ तो इजीली आप इसका वैल्यू निकाल सकते थे, आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल में इनर वैल्यू जो होता है, सम जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, जब तीन दिया हुआ है तो एक तो आप आराम से निकाल ही सकते हो।
तो जो आपका यहाँ पर 100 निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में x प्लस वाई प्लस जेड मैंने सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिया और फाइनली जो आंसर निकला वो 360 डिग्री निकला। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करो। आगे देखते हैं कुछ यहीं पे आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो रहा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी है, बट प्लीज़ क्या करें, पढ़ाना था। सो एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे एंड हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने वीडियो को वॉच करा, बस इतना ही, ठीक है। अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर सबसे ज़्यादा करो। बस इतना ही, थैंक यू सो मच। डोंट वरी एंड बी हैप्पी।